पिछे पिछे तुरदी आ फेम अजकल आउंदा ए सटारा विच नेम अजकल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कल मैं कह लो कि तकरीबन कहीं भी नहीं गया, जिम गया था, लेकिन मेरे फ़ोन में मेमोरी होने ना होने के कारण इस वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाया। एंड कल सारा दिन अपन घर पे ही थे, कहीं भी नहीं गए, पूरी सफाई सफुई चल रही थी, कपड़े कपड़े धोने थे क्योंकि पिछले संडे को आपको पता जैसे कि विशाल के विसर्जन था, तो इस वजह से धोने का टाइम नहीं मिला था एंड पूरे हफ्ते ही धोने का टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से कल पूरी मैं सफाई सफुई कर रहा था, सारा कुछ ऐसे ही कर रहा था सिस्टम गाइस। आज थोड़ी मैंने मेमोरी ठीक करी है फोन की, आई होप आज सारा कुछ सही होगा। बाकी बाकी मुझे अभी नहा के जरा जाना है कहीं, देखते हैं आज क्या सीन बनता है। कई बारी आपका भी दिल नहीं करता फोन उठाने को, ठीक है, कई बारी फोन आपका साथ नहीं देता, इस वजह से नहीं आप कर पाते, बहुत बहुत से कारण हो जाते हैं गाइस। और बताओ व्हाट्स हैपनिंग यार। मैं अभी ना वो एक रील देख रहा था, मतलब जो भी लाल बाग चरण दर्शन के लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी दर्शन वहां कर रहे हैं उनको धक्के मार रहे हैं, अगर वो धक्के नहीं मारेंगे तो जो लाइनें चार चार दिन पांच पांच दिन से लगी हुई हैं भाई, वो दस दस दिन तक पहुंच जाएंगी, समझ रहे हो। अगर मतलब इतना सिक्योरिटी कंट्रोल ना करे कि हर बंदा खड़ा हो के वहां दो मिनट लगाना चाहता है, लेकिन दुनिया पीछे भाई मैंने सच में देखा है कहां से लाइन लगी हुई थी, कहां से बंदे खड़े हुए हैं लाइन में और बैठे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं उठ रहे हैं। कितनी मुश्किल आती होगी बाथरूम की, वॉशरूम की कितनी दिक्कत आती होगी लेडीज को, जेंट्स को, है ना। तो ये धक्के कोई बात नहीं, इतने धक्के तो मारने जरूरी है, वो आप ही का फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर दो हर बंदे को दो मिनट मिलने लग गए तो सोचो क्या होगा, कितना रश पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। बाकी और बताएं व्हाट्स हैपनिंग। कपड़े तो मैंने थोड़े बहुत कल धो लिए थे एंड बाकी संडे, जैसे मैंने संडे पूरा दिन रखा हुआ है अपना ये काम करने के लिए, लेकिन संडे को कई बार बाहर ही होते हैं, कुछ किधर उधर कर रहे होते हैं, स्विमिंग करने गए होते हैं, तो इंसान से आया ही नहीं जाता है, समझ रहे हो। पहले संडे अपना होता था बोरिंग, अब अपना संडे होता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जाके वहाँ स्विमिंग कर लेते हैं भाई चिराग भाई के वहाँ जाके, तो बढ़िया हो जाता है काम, फिटनेस भी पूरी बढ़िया हो जाती है, सारा सिस्टम भी हो जाता है, समझ रहे हो। ले और मुझे सबसे ज़्यादा स्विमिंग करनी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बचपन से ही स्विमिंग करनी बहुत पसंद है। आप सबको बता दूँ मैं स्टेट तक खेला हूँ स्विमिंग में, वहाँ पर अपने गुरुकुल में भी, यहाँ पे होशियारपुर आगे वुडलैंड्स की तरफ से शायद स्टेट खेला हूँ, शायद डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, कुछ तो खेला था। बाकी स्पोर्ट्समैन तो अपन थे ही शुरू से, तो बढ़िया हो जाता काम। बाकी कोई नहीं, देखेंगे क्या सीन होगा भाई। अपने जैसे आप समझ लो कि जैसे धूप निकलती जा रही है ना, मतलब जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता जा रहा है, पता दिवाली टाइप ठंड टाइप फीलिंग नहीं होती, ठंड टाइप धूप होती है, वैसी सी धूप लगती है मुझे कई बार। मुझे फिर याद आ जाती है पंजाब की, हनुमान जी निकलते करते हैं, फिर वो पूरी दशहरा वाइब, वो दिवाली वाइब, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो।
और 2 महीने हो गए हैं गाइस मुझे यहाँ, 60 दिन हो गए हैं बॉम्बे में, एंड देखते हैं क्या होता है, क्या सीन होता है बाकी। सो देखा गाइस, अभी भी वीडियो बना रहा था तो एकदम बीच में वीडियो बंद हो गई मेमोरी कम की वजह से, एंड ये बड़ा चक्कर है गाइस। फोन भी लेना है, फोन लेंगे, 1 TB ही लेंगे जब भी लेंगे। अभी कुछ कस्में मतलब कह लो कि काइंड ऑफ चीज कर रखी है, कसम से कहा रखी है कि ये काम होगा तो फोन लूंगा मैं। देखते हैं क्या क्या सीन होता है, क्या सिस्टम भगवान की क्या मर्जी है बाकी। हाँ, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है गाइस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड बाकी चल ही जा रहा है जी काम। पंजाब की भी याद आती है क्योंकि मैं कभी लगातार 2 महीने नहीं रुका, शायद गाइस आगे मुझे 2 महीने 3 महीने और रुकना पड़े यहाँ, मैं पंजाब जाऊंगी ना क्योंकि काम से बढ़ के ऊपर है नहीं कुछ। पहले तो मस्ती मजाक ही चल रहा था इतने साल, बाकी अब जाके थोड़े सीरियस हुए हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। और इंसान को ना कह लो कि थोड़ी उम्र होने के बाद ही इंसान थोड़ा सा ना काम को लेके सीरियस और थोड़ा ना मैच्योरली बिहेव करता है। तो चलो कोई बात नहीं, जो कुछ है वो तो है, क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। सो क्या, तो ठीक है फिर मुलाकात होगी। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिव्यूज कमेंट्स में जरूर लिखें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या आप चेंज चाहते हो, क्या कर सकते हो, वो आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है जी। बाकी आप सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, एंड कुछ ना कुछ आपके कमेंट्स अगर अच्छे होंगे, प्रोडक्टिव होंगे तो मैं उसको सुनूंगा, समझूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। टिल देन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय गाइस।